शुरू हो गई मुंबई की लाइफलाइन मुंबई लोकल ट्रेन, 1 फरवरी से दिया टाइमिंग लोकल ट्रेन में अनुमति के लिए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में। मुंबई कर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे को सभी के लिए चालू करने को लेकर रिक्वेस्ट करी और रिस्ट्रिक्शन भी दिया है। जैसे हम आपको बता दें, इसमें टाइमिंग के अनुसार इस प्रकार टाइमिंग दी हुई है। जो लोकल पैसेंजर्स है, जो आम लोग हैं, उन लोगों के लिए सुबह की पहली ट्रेन से लेकर के सुबह 7 बजे तक का टाइमिंग दिया गया है ट्रैवल करने को लेकर, और उसी के साथ दूसरा जो टाइमिंग है वो 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक है, यानी दोपहर के 12 से लेकर शाम 4 बजे तक। और वही जो आखिरी टाइम है 9 बजे के बाद आखिरी ट्रेन तक, यानी 9 से जो 12 बजे की जो भी ट्रेनें होती है आखिरी, उस टाइम तक जो एसेंशियल सर्विसेज है के लिए इस प्रकार टाइमिंग है। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। जैसे हम आपको बता दें, इस टाइमिंग के बीच में आप लोग सभी लोग ट्रैवल कर सकेंगे। हम आपको फिर से एक बार ये एक जानकारी देना चाहेंगे, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इसके लिए रिक्वेस्ट और रेस्ट्रिक्शन दिया है। अभी तक रेलवे की तरफ से कोई अनुमति नहीं मिली है। देखना है कि रेलवे क्या फैसला लेती है, क्योंकि 1 फरवरी से CM उद्धव ठाकरे स्पष्ट कहना है कि हमने रिक्वेस्ट और रेस्ट्रिक्शन दे दिया है। देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल करके आता है। लेकिन आप सभी मुंबईकर्स हो तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मुंबई लोकल के लिए काफ़ी परेशानी देखने को मिलती थी। हमें काफ़ी सारे मैसेजेस आते थे लोकल कब चालू होगा, तो ये हम आपको स्पष्ट कर दें कि लोकल जो है 1 फरवरी से चालू होने वाला है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये रेलवे से रिक्वेस्ट किया, अब ये रेलवे का क्या निर्णय लिया जाता है इस पर भी हम जल्द ही अपडेट देंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँगा एक नई न्यूज़ के साथ।